हेलो नमस्कार सब क्रिकेटर के आए में वीडियो हम सब एक बते बन की लाइव स्कोरिंग के दौरान कना तो है स्कोरिंग एक्सेस के ट्रांसफर करा सके छो। चलो अब हमर मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ देखी है छो की स्कोरिंग टैब ओपन छे। त हमें यहाँ पर सबसे पहले बात करे छी कई ना यहाँ पर स्कोरिंग एक्सेस के तो है ट्रांसफर करे सके छो। वह सके छे कोनो कारण हेते वही कारण में से जना पहला कारण छिके की अगर स्कोरर के कोनो कारण बस ग्राउंड के छोड़े पड़े छे तो स्कोरर स्कोरिंग के एक्सेस दूसरा के ट्रांसफर करे सके छे। दूसरों कारण यो हो सके छे कि बहुते टीम एना रूल बनबे छे कि बैटिंग साइड ही स्कोरिंग करे सके छे तो केस में तो है स्कोरिंग के एक्सेस के ट्रांसफर करे सके छो। तीसरो सबसे महत्वपूर्ण कारण छे कि अगर बैटरी लो भए गेल तो है स्कोरिंग एक्सेस के ट्रांसफर करे सके छो। सबसे पहले यहाँ पर बतबे छन कना स्कोरिंग के एक्सेस के ट्रांसफर करे सके छो। राइट कॉर्नर में सेटिंग का आइकॉन दिखलाई पड़े छन ओकरा पर क्लिक कर दबो। थोड़ा सा नीचा स्क्रॉल करबो तो यहाँ पर चेंज स्कोरर का ऑप्शन दिखलाई पड़तन। चेंज स्कोरर पर तुम क्लिक कर दबो ओकरा बाद स्कोरिंग एक्सेस के तुम सर्च करी के भी ट्रांसफर करे सके छो। ओकरा बाद यहाँ पर टीम मेंबर के भी तुम ट्रांसफर करे सके छो स्कोरिंग एक्सेस। ओकरा बाद तुम मैच ऑफिशियल के भी एक्सेस के ट्रांसफर करे सके छो। सबसे पहले सर्च के हम बतेबन सर्च करी के तो कना ट्रांसफर करे सके छो स्कोरिंग एक्सेस के। यहाँ पर बॉक्स दिखलाई पड़े छन बॉक्स पर तुम मैनुअली उ स्कोरर के यहाँ पर नंबर फिल कर दबो क्लिक कर दबो। सर्च पर क्लिक करता है यहाँ पर वो स्कोरर का नाम यहाँ पर दिखलाई पड़े छन। ओकरा बाद नीचा में चेंज के यहाँ पर ऑप्शन छे चेंज पर क्लिक कर दबो। चेंज पर क्लिक करता है SIM श्योर का पॉप अप यहाँ पर आवे छे। SIM श्योर पर तो क्लिक जनाय कर दबो तो तोरा स्कोरिंग एक्सेस वो स्कोरर पर यहाँ पर ट्रांसफर भए जेतन। ओकरा बाद यहाँ पर ऑप्शन आवे छे तो टीम मेंबर के भी स्कोरिंग ट्रांसफर करा सके छो। ओकरा बाद यहाँ पर टीम पर जनाय तो क्लिक कर दबो तो ओकरा बाद यहाँ पर टीम मेंबर के नाम दिखलाई पड़े छन जरा भी तो स्कोरिंग एक्सेस दिए सके छो। ओकरा पर यहाँ पर क्लिक करबो मेंबर पर जना ई मेंबर पर हम क्लिक कर दिलिये तो ओकरा बाद यहाँ पर वह चेंज का ऑप्शन आवे छे। चेंज पर नीचा में जे चेंज छे ओकरा पर तो क्लिक कर दबो। चेंज पर क्लिक करता है फिर IM श्योर पर जनाय तो क्लिक कर दबो तो स्कोरिंग एक्सेस उ टीम मेंबर के ट्रांसफर भए जेतन। एही प्रकार से तो मैच ऑफिशियल के भी तो स्कोरिंग एक्सेस के ट्रांसफर करे सके छो। हम ई वीडियो में सबक बतलियन कि तो स्कोरिंग के एक्सेस के कना ट्रांसफर करे सके छो। धन्यवाद वीडियो देखे खातिर।